एच एन एल एन पी सी ज्ञान भंडार इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स विच इज सी बी एस ई क्लास सिक्स कंप्यूटर चैप्टर वन ओके तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ए कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली एंड सिक्वेंशियली ऑन दी इनपुट गिवेन बाई द यूजर एंड गिव द डिज़ायर्ड आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर एक क्या है प्रोग्रामेबल मशीन है जो डिज़ाइन किया गया है क्या चीज़ परफॉर्म करने के लिए आर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेटिकली और सिक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक ओके और ऑन द इनपुट गिवन बाय द यूजर और जो यूजर के द्वारा इनपुट जो दिया हुआ है उस पर बेस्ड है ओके इस पर डिपेंड करेगा और ये एक डिज़ायर्ड आउटपुट देगा प्रोसेसिंग के बाद ओके तो आगे देखते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज नेमली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कंपोनेंट्स को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहला है हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज द मशीन इट हार्डवेयर खुद एक मशीन है

सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ओके okay? मतलब सॉफ्टवेयर बहुत सारा प्रोग्राम्स मिल करके सॉफ्टवेयर बनता है और जो हार्डवेयर को कुछ वेरियस फंक्शंस करवाता है हार्डवेयर खुद अपने से कुछ भी चीज़ नहीं करता है उसको जैसा इंस्ट्रक्शंस मिलता है वैसा वो काम करता है ओके okay? तो जैसे हम स्कूल में हम लोग को जो होमवर्क मिलता है वही हम लोग होमवर्क में करते हैं आकर के उसी तरह से हार्डवेयर जो हार्डवेयर वही काम करता है जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलता है यूजर के द्वारा यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू ओके okay? नेक्स्ट देख रहे हैं कंप्यूटर का एक डायग्राम बनाया हुआ फिगर है जिसमें मॉनिटर है कीबोर्ड है माउस है सीपीयू है स्पीकर है ओके तो अब देखते हैं कंप्यूटर का फंक्शंस ओके एक कंप्यूटर है फोर फंक्शंस कंप्यूटर का चार फंक्शंस होता है फर्स्ट है एक्सेप्ट डेटा इनपुट के रूप में ओके जिसको हम लोग इनपुट बोलेंगे सेकेंड है प्रोसेस डेटा जो प्रोसेसिंग कहलाएगा थर्ड है प्रोड्यूस आउटपुट जो कि आउटपुट कहलाएगा ओके और फोर्थ है स्टोर्स रिजल्ट मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद ये रिजल्ट को स्टोर भी करके रखता है जो कि स्टोरेज कहलाएगा ओके okay? तो देख रहे हैं आप इसमें एक इनपुट है प्रोसेसिंग है आउटपुट है फिर स्टोरेज है तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं नेक्स्ट है इनपुट इनपुट इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन एंटर्ड टू अ कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस इनपुट क्या है रॉ इन्फॉर्मेशन ओके रॉ इन्फॉर्मेशन जैसे वन टू थ्री फोर ए बी सी डी या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर ओके okay, तो ये सब क्या हो गया इनपुट्स हो गया किसके लिए कंप्यूटर के लिए ओके okay, जो कि इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग एंटर करते हैं इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स नंबर्स इमेज एटसेट्रा इसमें क्या हो सकता है ये कलेक्शंस है ओके okay, किसका किसका लेटर्स का नंबर्स का इमेज का, का, का और कुछ भी आदि हो सकता है ओके की बोर्ड माउस स्कैनर डिजिटल कैमराज एसेट्रा आर सम इनपुट डिवाइसेस ये सब क्या है कीबोर्ड माउस स्कैनर डिजिटल कैमरा ये सब इनपुट डिवाइसेस है और भी बहुत सारा इनपुट डिवाइसेस है जैसे जॉयस्टिक, स्कैनर स्कैनर तो हो गया कैमरा ओके okay, तो इस तरह से ये सारे इनपुट डिवाइसेस है नेक्स्ट है प्रोसेस द कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा इनपुट इनपुट डेटा ओके कंप्यूटर क्या करता है इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है इनपुट लेने के बाद क्या करेगा उसको प्रोसेस करेगा फॉर दिस इट परफॉर्म समी डेटा बाई यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स गिवेन बाई द यूजर इसके लिए ये क्या करता है कुछ एक्शन करता है ओके इट इट परफॉर्म सम एक्शन ऑन द डेटा उस डेटा जो डेटा दिया हुआ है इनपुट के तौर पे जो उसको मिला है ओके उस डेटा पे क्या करेगा ये कुछ एक्शन करेगा ओके okay? सपोज जो चीज़ इंस्ट्रक्शंस मिला है यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम गिवन बाय द यूजर जो प्रोग्राम्स जो यूजर्स इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको ये चीज़ करना है वो चीज़ करना है उस इंस्ट्रक्शंस को लेकर के वो उसको क्या करेगा परफॉर्म करेगा कुछ एक्शन सपोज ऐड करने बोला है तो ऐड करेगा सब्ट करने बोला है सबटेक्ट करेगा द एक्शन कुड भी एन अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन एडिटिंग मॉडिफाइंग एंड डॉक्यूमेंट एट्सट्रा ये एक्शन क्या क्या हो सकता है अर्थमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशन हो सकता है जैसे एडिशन सब्टशन मल्टीप्लिकेशन या फिर कंपेयर करना है टू नंबर्स को तो ये सब कर सकता है एडिटिंग करना है मॉडिफाई करना है डॉक्यूमेंट को तो ये सब क्या है सब एक्शन है द डेटा इंस्ट्रक्शंस

आउटपुट भी एक प्रोसेस्ड डेटा डेटा ही है जो प्रोसेस्ड मतलब प्रोसेस हो चुका है इसका ओके okay? जैसे सपोज हम लोग ऐड करने देते तो वह ऐड कर चुका है उसके बाद जो रिजल्ट आया उस डेटा को कंप्यूटर आउटपुट मानेगा ओके और कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग के बाद उसको आउटपुट कंसिडर करेगा और आउटपुट डिवाइसेस में भेजेगा आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड एन रिजल्ट आउटपुट को रिजल्ट भी कहा गया ओके आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन स्टोरिंग डिवाइस डिवाइसिस फॉर फ्यूचर यूज हम लोग इस डेटा को स्टोरेज या फिर इस रिजल्ट को स्टोरेज डिवाइसेस पे रख सकते हैं स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज मतलब फ्यूचर में यूज करने के लिए मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मेजर आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर और प्रिंटर क्या है मेजर आउटपुट डिवाइस है ओके ज़्यादातर ये सब यूज होता है प्रिंटर हर एक के घर में मिलेगा हर एक के घर में मॉनिटर मिलेगा बिना मॉनिटर का कंप्यूटर वर्क मतलब कंप्यूटर कर ही नहीं सकते काम ओके ओके okay? मतलब हम लोग आउटपुट देखेंगे देख ही नहीं पाएंगे अगर मॉनिटर नहीं रहेगा तो नेक्स्ट स्टोरेज द इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड द आउटपुट आर स्टोर्ड परमानेंटली इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क और टेप ओके और इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस आउटपुट ये सब इस्टोरेड स्टोर किया जा सकता है परमानेंटली कहाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जैसे डिस्क और टेप में ओके द स्टोर डेटा कैन बी रिसिव्ड वेन एवर नीडेड एट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और ये स्टोर डेटा को हम लोग रिसीव कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ओके किसी भी समय जब हम लोग चाहें सेकेंडरी मेमोरी से हम लोग उसको देख सकते हैं रिट्राइप कर सकते हैं ओके मतलब निकाल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है देखते हैं ऑल दी ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी समराइज विद द सिंपल इक्वेशन गिवन हेयर अंडर ओके मतलब जितने भी कॉम्पोनेंट्स है सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम का उसको हम लोग समराइज मतलब याद कर सकते हैं सिंपल इक्वेशन से इक्वेशन दिया हुआ जो नीचे उसके को देख करके तो देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूजर मतलब कंप्यूटर सिस्टम कब बनेगा जब हार्डवेयर भी रहेगा उसमें सॉफ्टवेयर ही रहेगा और यूजर भी रहेगा मतलब उसको यूज करने वाला भी रहेगा ओके okay. तो हार्डवेयर किसको बोलेंगे हार्डवेयर देखिए हार्डवेयर क्या क्या मिलकर बनता है हार्डवेयर इंटरनल डिवाइसेस प्लस वेरीफेल डिवाइसेस मिलकर के हार्डवेयर बनता है और हार्डवेयर किसको बोलेंगे ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और एवरीथिंग दैट वी कैन टच आर नॉन एज हार्डवेयर मतलब जितने फिजिकल पार्ट्स है फिजिकल पार्ट्स मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं देख सकते हैं ओके okay? उसको बोलेंगे हार्डवेयर जैसे एक सी पी ओ एक हार्डवेयर है माउस एक हार्डवेयर है कीबोर्ड एक हार्डवेयर है स्पीकर एक हार्डवेयर है स्कैनर एक हार्डवेयर है ओके okay, इस तरह से जितने फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के उसको हार्डवेयर बोलेंगे नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम्स ओके सॉफ्टवेयर गिव्स इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करता है कंप्यूटर को इंटेलिजेंस देता है वी कैन नॉट टच इट फिजिकली हम लोग इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को नेक्स्ट है यूजर अब यूजर किसको बोलेंगे पर्सन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर जो आदमी कंप्यूटर को ऑपरेट्स कर रहा है उसको बोलेंगे यूजर चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे नाउ लेट अस नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स इन डिटेल्स चलिए अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर्स कंपोनेंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पहला था हार्डवेयर अब हार्डवेयर को डिटेल्स में पढ़ते हैं चलिए देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स दैट मेक दैट मेक अप द कंप्यूटर एज ए मशीन ये मैकेनिकल पार्ट्स है ओके ये मैकेनिकल पार्ट्स मिलकर बना है जो कंप्यूटर को मशीन बनाता है ओके द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है हार्डवेयर किससे बनता है फिजिकल डिवाइसेस जितना भी कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइसेस है मैंने बताया फिजिकल डिवाइसेस मतलब जैसे स्कैनर कीबोर्ड माउस मॉनिटर सीपीयू यू पी एस इस सब सारा क्या है कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइस है फिजिकल है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं देख सकते हैं दिज डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इस डिवाइसेस को ज़रूरत पड़ता है कि क्या क्या चीज़ का इनपुट का आउटपुट का स्टोरेज का प्रोसेस का ओके प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का तो कीबोर्ड माउस मॉनिटर हार्ड डिस्क ड्राइव फ्लोपी डिस्क ड्राइव प्रिंटर प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ़ द हार्डवेयर डिवाइसेज सब हार्डवेयर डिवाइसेस है ओके नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड हाउ दिस टास्क टू बी परफॉर्म्ड ओके ये क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है मतलब गाइडलाइंस है मतलब इस कंप्यूटर के लिए क्या करना है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता वो मशीन है ना उसको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ करना है तो कंप्यूटर्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है ओके कि कंप्यूटर को कैसे टास्क करना है क्या काम करना है क्या टास्क करना है ओके तो ये जिसके थ्रू देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा ओके प्रोग्राम्स इज रिटेन इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क प्रोग्राम लिखे जाते हैं कोई लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझता है ओके और उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है मतलब कंप्लीट करता है ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम जितना भी प्रोग्राम्स हम लोग उसको समझाने के लिए उसको ये चीज़ करना उसके लिए बताने के लिए जितना भी प्रोग्राम्स लिखें उसको तो लिख के बताएंगे कंप्यूटर को तो वो लिखे जितना चीज़ वो क्या कहलाएगा सॉफ्टवेयर कहलाएगा तो वो पूरा सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब मिल कर के सॉफ्टवेयर बनाएगा द हार्डवेयर्स कैरी द कैरी ऑफ़ द कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ऑन हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम में अपने से कुछ भी काम नहीं करता है ओके okay? हार्डवेयर कुछ भी काम अपने से नहीं करेगा कंप्यूटर सिस्टम में द हार्डवेयर नीड टू बी इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्ट अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्मड हार्डवेयर को जरूरत पड़ता है इंस्ट्रक्शंस का कि क्या काम करना है ओके सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट दिस कंप्यूटर अबाउट दिच टास्क तो सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्ट करता है टास्क को ओके द हार्डवेयर कैरीज अबाउट दिच टास्क और हार्डवेयर इस सब काम करता है ओके डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन द सेम हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर लोडेड किए जाते हैं सेम हार्डवेयर में अलग अलग काम को करने के लिए तो इसको देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और यूजर को आप अच्छे से समझिए ओके सपोज़ हमको एक बिल्डिंग बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं आर्किटेक्चर के पास जाते हैं कि हमको बिल्डिंग बनाना है तो वो नक्शा तैयार करके देता है उसके बाद क्या करता है आर्किटेक्चर हमारे लिए क्या है वो टास्क दिए आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर क्या करेगा अब वो मिस्त्री को खोजेगा ओके okay? तो वो क्या करता है मिस्त्री यहाँ क्या हो गया हार्डवेयर्स हो गया ओके और जो काम जो दिया गया जो मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शंस जो दिया गया वो क्या हो गया उसके लिए इनपुट हो गया डेटा हो गया उसको फिर वो ट्रांसफ़र करेगा मिस्त्री को ओके तो इस तरह से बिल्डिंग तैयार होगा तो यहाँ हार्डवेयर हो गया और सॉफ़्टवेयर हो गया जो हम लोग उसको लिख करके दिए बताएँ कि इस तरह से इतना ये लगेगा वो लगेगा तो सब सॉफ़्टवेयर हो गया ओके और यूज़र हम यूज़र हो गए ओके यूजर को जानते हैं चलिए यूजर आर पीपल हु राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंट्रैक्ट विथ द कंप्यूटर यूजर जो है आदमी होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखता है और कंप्यूटर को इंट्रैक्ट करवाता है मतलब ये काम करना है वो काम कराना है वो बताता है ओके दे आर आल्सो नॉन एज स्किन वेयर लाइफ वेयर ह्यूमन वेयर और पीपल वेयर ये यूजर्स को स्किन वेयर भी बोलते हैं लाइफ वेयर भी बोलते हैं ह्यूमन वेयर भी बोलते हैं और पीपल वेयर भी बोलते हैं प्रोग्रामर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर्स सिस्टम एनालाइस एनालाइस्ट एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर फॉल इंटू दिस कैटेगरी ओके जितने भी प्रोग्रामर्स हैं जो प्रोग्राम करते हैं ओके okay? मतलब हर एक चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग होता है ओके okay? तो ये प्रोग्राम्स जो करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर सिस्टम एनालाइस एनालाइस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर सब क्या है यह सब सब यूजर के कैटेगरी में आता है इस कैटेगरी में आते हैं ओके okay? स्किन वेयर बोल सकते हैं लाइफ वेयर बोल सकते हैं ह्यूमन वेयर बोल सकते हैं पीपल वेयर बोल सकते हैं ओके है, okay? अब चलिए आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ओके तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या खास बात होना चाहिए कंप्यूटर का ओके okay? जब हम लोग कंप्यूटर खरीदेंगे तो क्या क्या चीज़ देखेंगे क्या क्या होना चाहिए कंप्यूटर में जैसे हम लोग सपोज कभी बैट खरीदते हैं बैट जाते है, okay? बैट हैं ओके बैट खरीदने तो क्या देखते हैं कि बैट हमारे साइज़ का है कि नहीं हाथ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से सिक्स लगेगा कि नहीं ओके okay? तो इस तरह से देखते हैं तो करे उसी तरह कंप्यूटर का भी करेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है ओके okay? तो स्पीड डिलीजेंस इस्टोरेज कैपेबिलिटी भर्साटिलिटी आर सम द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट हैव मेड दैम सो पावरफुल एंड यूनिवर्सली यूजफुल ओके मतलब स्पीड एक्सी डिलीजेंस स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड भरसाटिलिटी ये सब क्या है कुछ करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का जो उसको पावरफुल बनाता है और यूनिवर्सली यूजफुल मतलब वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी कोने में उसको यूज किया जा सकता है एवरीप ओवरव्यू ऑफ दिस कम करेक्टरिस्टिक्स आर तो ये ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है करेक्टरिस्टिक्स का चलिए देखते हैं फर्स्ट स्पीड कंप्यूटर वर्क एट एन इनक्रेडिबल स्पीड ओके कंप्यूटर्स वर्क करता है एक इनक्रेडिबल स्पीड में मतलब इसका कोई क्रेडिट ही नहीं है मतलब एकदम अनोखे स्पीड में ओके ए पावरफुल कंप्यूटर कैन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट थ्री टू फोर मिलियन सैम्पल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ओके मतलब एक पावरफुल कंप्यूटर हो सकता है वो तीन से चार मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में मतलब तीन से चार मिलियन काम को एक साथ कर सकता है एक सेकंड में ओके okay? समझ सकते हैं कितना स्पीड होता है नेक्स्ट एक्यूरेसी एकूरेसी देखते हैं क्या of, मतलब है कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ एकूरेसी कंप्यूटर जो हाई डिग्री ऑफ मतलब ज़्यादा एकूरेसी प्रोवाइड करवाता है फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर कैन गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी टू नंबर्स अप टू लास्ट परमिशेबल डेसिमल प्लेस एकूरेटली ओके तो जब आप अगर कुछ नंबर डिवाइड कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा थ्री प्लेस तक डिवाइड कीजिएगा डेसिमल के बाद लेकिन कंप्यूटर आप कंप्यूटर को जितना प्लेस तक बोलिएगा उतना प्लेस तक वो डिवाइड करके दिखाएगा ओके ये है उसका एक्यूरेसी नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम फैटिज ओके फ्री फ्रॉम फैटिज मतलब देखते हैं चलिए क्या होता है इसका मतलब कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम फैटिज इट डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ वर्क नेवर लॉसेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब फैटिज मतलब क्या मतलब वो थकता नहीं है कभी अपना कंसंट्रेशन नहीं होता है सपोज आप कोई आदमी को अगर दिन भर कुछ काम करने बोलिएगा तो थक जाता है टायर्ड हो जाता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है लेकिन कंप्यूटर का ऐसा किस नहीं है ओके okay? कंप्यूटर को आप कितना भी काम दीजिएगा वो करेगा बस उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ओके okay? पावर चाहिए इट कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन विथ द सेम डिग्री ऑफ स्पीड एंड एकूरेसी कंटिन्यूसली फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स विथ द सेम अमाउंट ऑफ इफिशेंट एफिशिएंसी एज द फर्स्ट अटेम्प्ट ओके ये कोई भी ऑपरेशन को सेम स्पीड से कर सकता है और सेम एक्यूरेसी से कंटिन्यूसली लगातार कितनों भी बार एक ही काम को आप अगर हज़ार बार दीजिएगा उसको तो हज़ार बार करेगा और वही स्पीड से करेगा जिस स्पीड से ये पहले किया था ओके okay? तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी ओके कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेबिलिटी भी देखा जाता है जब भी हम लोग फ़ोन खरीदने जाते हैं देखते पूछते हैं कितना रैम है कितना रोम है कितना स्टोरेज कैपेसिटी है ओके okay, कंप्यूटर भी खरीदने जाते हैं तो इसी के देखते हैं कितना हार्ड डिस्क है ओके okay, कितना रैम है ओके okay, तो ये सब क्या है स्टोरेज कैपेबिलिटी द कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क लाइक फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क ओके कंप्यूटर का क्या है एबिलिटी है कि मतलब कंप्यूटर का इतना एबिलिटी uh, है कि वो बड़ा डेटा को सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर करके रख सकता है जैसे फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क ओके कितना भी बड़ा डेटा हो जैसे बड़ा बड़ा मूवी होता है वो सब भी स्टोर करके रखता है यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स ओके okay? सारे चीज़ को स्टोर करके रखने की कैपेसिटी है ओके okay, कंप्यूटर्स में और उसको कहाँ स्टोर करके रखता है फ्लोपी डिस्क में या हार्ड डिस्क में द स्टोरड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्राइबड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और रि स्टोर इन्फॉर्मेशन को हम लोग कभी भी निकाल के देख सकते हैं कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं ओके okay? जैसे हमारे कोई सीडी में या फिर हार्ड डिस्क में या फिर मेमोरी कार्ड में कोई मूवी रहता है या फिर कोई सॉन्ग रहता है कोई फोटोज़ रहता है कोई वीडियोज रहता है तो उसको आसानी से हम लोग कभी भी निकाल के देख सकते हैं बस जब तक हम लोग उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा ओके okay? ये याद रखिएगा दिस हेल्प्स इन एनालाइजिंग डेटा एंड टैकिंग क्विक डिसीजन ये क्या करता है मदद करता है डेटा एनालाइज करने में और क्विक डिसीजन लेने में ओके मतलब जल्दी डिसीजन लेने में द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज एक्सप्रेस्ड इन बाइट्स और स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है ना कंप्यूटर का वो बाइट्स में रिप्रेजेंट होता है ओके नॉर्मली वन बाइट्स स्टोर्ड वन कैरेक्टर ऑफ डेटा और नॉर्मली जो होता है वो वन बाइट क्या करता है वन बाइट लेता है मेमोरी एक कैरेक्टर को नॉर्मली वन बाइट स्टोर वन करेक्टर ऑफ डेटा मतलब वन बाइट जो है वन करेक्टर को स्टोर कर सकता है जैसे सपोज हम लोग ए लिख रहे हैं कोई एक ए करेक्टर टाइप कर रहा है कंप्यूटर में तो उस समय वो एक बाइट वन बाइट स्टोर वन बाइट स्टोरेज लिया ओके तो इस तरह से हम लोग कुछ भी लिखेंगे कुछ भी करेंगे तो जितना बाइट से उतना वो जगह लेगा ओके तो यहाँ देखिए लुक एट द टेबल गिवेन बिलो लो केयरफुली एक टेबल दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए ओके और तो ये बच्चों आपको याद करना है कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए और किसी भी जगह अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए फिर से देखिए दो बार ओके तो जिस जगह समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को उस जगह रिप्ले कीजिए ओके तो फिर से देखिए वो चीज़ तो मुझे लगता है डेफिनेटली समझ में आ गया क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस का मीनिंग आपको बता रहा हूँ ओके तो देख रहे हैं जीरो और वन जीरो और वन लिखा हुआ है जीरो और वन जिसको वन बिट बोलते हैं ओके कंप्यूटर जो है किस में स्टोर करता है डेटा को बिट्स में ओके मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या है बिट्स है ओके जैसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी इन इंडिया क्या है पैसा ओके वन पैसा ओके okay, तो हंड्रेड पैसे इक्वल टू वन रुपीज़ होता है फिर वन था वन हंड ओके okay, इस तरह से बनता है ओके okay, तो ये वन था वन हंड्रेड पैसा इक्वल टू वन रुपीज़ होता है ना उसी तरह से वन जीरो और वन मिल करके वन बाइट होता है जीरो या वन एक ही चीज़ या तो जीरो रहेगा या वन रहेगा उस समय वो वन बाइट होगा और फोर बिट्स सॉरी वन बिट फोर बिट्स मिल करके के वन निबल बनेगा ओके वन निबल में कितने बिट्स होंगे फोर बिट्स ओके नेक्स्ट टू निबल्स टू निबल्स में कितने बिट्स होंगे एट बिट्स ओके तो यानी एट बिट्स मिल करके वन बाइट बनेगा और वन बाइट्स इक्वल टू वन कैरेक्टर ओके जो कि वन कैरेक्टर लेता है ओके नेक्स्ट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट इक्वल टू वन किलो बाइट ओके जिसको शॉर्ट में के बी बोलते हैं नेक्स्ट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर के बी इक्वल टू वन मेगा बाइट जिसको एम बी बोलते हैं वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर एम बी इक्वल टू वन गीगा जिसको जी बी बोलते हैं नेक्स्ट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर जी बी इक्वल टू वन टेरा जिसको टी बी बोलते हैं नेक्स्ट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर टी बी इक्वल टू वन पेटा जिसको पी बी बोलते हैं ओके वन पी बी तो आप इस सब कुछ याद आ रहा होगा आप लोग फ़ोन यूज करते होंगे तो ये सब ज़रूर जानते होंगे कि कोई भी फोटो इतना एम बी का है इतना के बी का है ओके okay, कि इंटरनेट स्पीड इतना के में दे रहा है इतना स्पीड में दे रहा है आप लोग बोलते होंगे तो ये जरूर आपको याद हो तो ये के बी एम बी क्या चीज़ें ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी थोड़ा थोड़ा ओके okay, नेक्स्ट है वर्साटिलिटी वर्साटिलिटी क्या है और बच्चों ये टेबल आप याद रखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा नेक्स्ट है वर्साटिलिटी ओके कंप्यूटर्स आर वर्साटाइल मशीन्स एंड आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क एज लॉन्ग एज इट कैन बी ब्रोकन एंड डाउन इंटू ए सीरीज ऑफ लॉजिक स्टेप्स लॉजिकल स्टेप्स मतलब कंप्यूटर्स भरसाटाइल मशीन है और ये कैपेबल है कोई भी टास्क को किसी भी टास्क को चाहे वो कितना भी लंबा हो और वो चीज़ टूटा हुआ भी क्यों ना हो तोड़ तोड़ के भी अगर उसको काम दीजिएगा तो वो करेगा कंप्यूटर ओके द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी सीन इन द ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर रेलवेज एयर रिजर्वेशन बैंक होटल्स वेदर फोरकास्टिंग एंड मैनी मोर तो आप लोग देखे होंगे ये सब कंप्यूटर्स का जो प्रेजेंस प्रेजेंस देखने को मिला होगा आपको जैसे हम लोग रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं तो उस समय कितना लोग रेलवे टिकट बुकिंग करते होंगे आप लोग समझ रहे होंगे कि वो कंप्यूटर ही उसको एनालाइज करता है कि कितने टिकट्स बुक हुए हैं कितना उसका प्राइस होगा कितना किलोमीटर है कौन सी ट्रेन खाली है कौन सी ट्रेन का सीट कौन सा बॉगी नंबर है क्या है ये सब सब डिसाइड कौन करता है कंप्यूटर डिसाइड करता है बस उसको इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है कि आपको ये चीज़ फाइंड करना है और बताना है ओके okay? तो इस तरह से और टिकट्स देना है टिकट्स प्रोवाइड करना है आदमियों को ओके okay? लोगों को तो ये इसको बोलते हैं वर्साइटिलिटी मतलब एक साथ वो धीरे धीरे करके हजारों काम करता है तोड़ तोड़ करके ओके okay? तो इसको वर्साटिलिटी बोलते हैं नेक्स्ट अप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर अब इस कंप्यूटर का अप्लीकेशंस क्या है मतलब इसका कहाँ कहाँ यूज ओके नाव डे कंप्यूटर्स आर यूज इन प्रैक्टिकली ऑल द फील्ड्स ऑफ आवर डेली लाइफ आजकल के दिन में कंप्यूटर्स जो है प्रैक्टिकली हमारे डेली लाइफ में हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है हर एक फील्ड में यूज हो रहा है फ्रॉम इंजीनियर्स टू डॉक्टर स्टूडेंट्स टीचर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल यूज़ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मतलब सब जगह यहाँ तक कि स्टूडेंट्स डॉक्टर इंजीनियर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारे लोग कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं अपने अपने कामों को करने के लिए ओके okay? फॉर एंटरटेनमेंट और जस्ट टू डू फॉर ऑफिस वर्क कंप्यूटर हैव मेड आवर लाइफ ईजियर ओके और इंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर यूज होता है ऑफिस में भी और कंप्यूटर्स क्या होता है हमारे लाइफ को ईजी बना दिया है ओके कंप्यूटर हमारे लाइफ को ईजी कर दिया है विथ ग्रेटर प्रिसीसन्स एंड एकूरेसी एंड लेस कंज्प्शन ऑफ टाइम कंप्यूटर्स कैन डू ए लॉट ऑफ लॉट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम वेयर एज द सेम टास्क वेक लॉट ऑफ टाइम डन मैनुअली ओके मतलब ये ग्रेटर मतलब अधिक लाभ के साथ और एक्यूरेसी के साथ कम टाइम लेकर के कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत सारा काम कम समय में ओके okay? और मैन्युअली कम समय में कर देता है जबकि अगर हम उसको मैन्युअली करते अपने खुद से करते तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ओके इस तरह से सपोज आपको कुछ चीज़ टाइप करना है तो कंप्यूटर में टाइप करके निकाल लेते हैं तुरंत ओके लेकिन वही चीज़ अगर हाथ से आप लिखते हैं आर्ट बनाते हैं ये करते हैं असाइनमेंट बनाते हैं तो आप हाथ से बनाने में हैंड राइटिंग में बहुत टाइम लगता है जबकि कंप्यूटर में कम टाइम लगता है कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारा असाइनमेंट बना सकते हैं लेकिन हाथ में अगर बैठ कर बनाएँगे सपोज़ हज़ार कॉपी कुछ बिल बनाना है हज़ार वन थाउजेंड कापी का अगर वो हम हाथ से बनाएंगे तो कम से कम दिन भर लग जाएंगे कंप्यूटर में एक घंटे में बन जाता है बिल ओके एक घंटा भी नहीं लगता है मिनटों में बन जाता है कंप्यूटर्स हैव टेकन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस टू होल एंड न्यू लेवल ओके कंप्यूटर्स को लिया गया इंडस्ट्री और बिजनेस में भी ताकि नया लेवल आए ओके दे आर यूज्ड एट द सेम टाइम ऑफ टाइम फॉर वर्क एंड एंटर इंटरटेनमेंट परपस पर्पसेस एट ऑफिस इन हॉस्पिटल्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनी अदर प्लेस वही लोग कम्प्यूटर को सेम टाइम में उसी टाइम में यूज करते हैं काम के टाइम में भी इंटरटेनमेंट में भी ऑफिस में भी हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और दूसरे प्लेस में भी यूज कर रहे हैं ओके वही टाइम में चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या इसका अपलिकेशन है और आपसे रिक्वेस्ट है अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो पीछे करके दोबारा वो चीज़ को सुने दोबारा देखें और ध्यान दीजिए मैं कहाँ रीड कर रहा हूँ ओके तभी आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे लेटस्ट डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल अपलिकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस सेक्टर्स चलिए डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल अपलीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का अलग अलग सेक्टर्स में तो आप देख रहे हैं एडुकेशन के सेक्टर में यूज हो रहा है एडुकेशन तो पता ही होगा आपके लेबोरेटरी में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं फिर बिजनेस में फिर मेडिकल में एंटरटेनमेंट में इंजीनियरिंग में स्पोर्ट्स में एडवर्टाइजिंग में और फॉर्म्स में यहाँ तक तो कि घरों में भी नेक्स्ट है गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट क्या है चलिए देखते हैं गवर्नमेंट कैसे यूज कर रहा है द गवर्नमेंट यूजेज कंप्यूटर टू मैनेज इट्स आवर ऑपरेशन एंड ऑल्सो फॉर ई गवर्नमेंट ई गवर्नेंस ओके गवर्नमेंट जो है कंप्यूटर को यूज कर रही है अपने ऑपरेशनस को मैनेज करने में और ई e गवर्नेंस को मैनेज करने में ओके okay? मतलब सब चीज़ इंटरनेट की मदद से सेवाएं देने के लिए कंप्यूटर को यूज कर रही है द वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर और गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट यूजर तक अलग अलग इंफॉर्मेशन पहुँचाता है ओके okay? तो ये सारा कंप्यूटर्स की वजह से पॉसिबल है कंप्यूटर्स आर यूज टू फॉर फीलिंग द ऑफ़ इनकम टैक्स रिटर्न पेइंग टैक्सेस ऑनलाइन सबमिशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द एक्सेस ऑन लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स एटसेट्रा दोलिस पुलिस डिपार्टमेंट यूज इज कंप्यूटर्स टू सर्च फॉर क्रिमिनल्स यूजिंग फिंगर प्रिंट्स मैचिंग एट्सेट्रा यहाँ तक कि पुलिस भी आजकल कंप्यूटर यूज कर रही है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उसके फ्रिंक फिंगर प्रिंट्स मैचिंग करने करके ओके okay. यहाँ तक कि हम लोग बिल भी पे करते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू वाटर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर लैंड रिकॉर्ड भी हम लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स भरते हैं कंप्यूटर्स का यूज करके ओके okay? अब घरों में कैसे यूज करते हैं होम्स चलिए होम में देखते हैं कंप्यूटर्स हैव लो बिकम कंप्यूटर्स हैव कंप्यूटर्स हैव बिकम कंप्यूटर्स हैव नाउ बिकम एन इंटर इंटीग्रल पार्ट ऑफ होम इक्विपमेंट ओके कंप्यूटर जो है आजकल इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट बन चुका है होम इक्विपमेंट का मतलब घरों में जितने भी सामान है सबका कंप्यूटर ही इक्विपमेंट बन चुका है कंप्यूटर से ही सारे चीज़ हो रहे हैं एट होम पीपल यूज यूज कंप्यूटर्स टू प्ले गेम्स टू मेंटेन होम अकाउंट्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स रिलेटिव्स बाई इंटरनेट फॉर प्लेइंग पेइंग बिल्स फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग एटसेट्रा तो घर में आदमी कंप्यूटर यूज कर रहा है गेम खेलने के लिए घर के अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए फ्रेंड से बातचीत करने के लिए रिलेटिव से ओके फिर थ्रू इंटरनेट वाया इंटरनेट का यूज करके फिर बी बिल पे कर रहा है कंप्यूटर से फिर एडुकेशन एंड लर्निंग कंप्यूटर से हो रहा है आजकल तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हो रहा है कंप्यूटर से ओके क्या क्या चीज़ करते हैं हम लोग कंप्यूटर से आगे देखते हैं नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ओके तो स्पोर्ट्स में कैसे यूज होता है कंप्यूटर कैन बी यूज टू वॉच ए गेम व्यू द स्कोर्स इम्प्रूव द गेम प्ले गेम्स लाइक चेस एट्सेट्रा एंड क्रिएट गेम्स दे आर ऑल्सो यूज फॉर द परपज ऑफ ट्रेनिंग प्लेयर्स ओके कंप्यूटर का यूज आजकल स्पोर्ट्स में भी हो रहा है ओके okay? स्पोर्ट्स में कैसे हो रहा है जैसे गेम देखने के लिए ओके okay? स्कोर्ट्स देखने के लिए गेम को इम्प्रूव करने के लिए जैसे चेस लूडो पबजी वगैरह गेम खेलने के लिए ओके okay? फिर गेम क्रिएट करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है ओके दे आ, और कंप्यूटर का यूज होता है आजकल ट्रेनिंग के लिए भी प्लेयर्स को ट्रेनिंग देना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर्स का यूज होता है नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है कंप्यूटर यूज है पावरफुल एडवर्टाइजिंग मीडिया कंप्यूटर जो है एक पावरफुल एडवर्टाइजिंग मीडिया सपोज आप आपका कुछ प्रोडक्ट है उसको बेचना है सेल करना है तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट डालना है तो एडवर्टाइजमेंट कंप्यूटर के थ्रू डालिएगा तो वो पावरफुल इफेक्टिव है ज़्यादा जल्दी आपका प्रोडक्ट बिकेगा एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिस्प्लेस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कैन बी सेंट एंड रिव्यूज़ ऑफ ए प्रोडक्ट बाई डिफरेंट कस्टमर्स कैन बी पोस्टेड ओके एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा सकता है वेबसाइट्स में इलेक्ट्रॉनिक मेल करके भेजा जा सकता है फिर अपने प्रोडक्ट का रिव्यूज़ देख सकते हैं आप डिफरेंट कस्टमर का जो डिफरेंट कस्टमर पोस्ट किया है ओके फिर कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग यूजिंग द विजुअल एंड द साउंड इफेक्ट कंप्यूटर्स का यूज़ होता है आजकल एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने में उसका विजुअल और साउंड इफेक्ट के साथ ओके नेक्स्ट है वेब एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम द सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द मार्केटिंग प्लाइंट्स ऑफ आलमोस्ट ऑल कंपनीज ओके वेब एडवर्टाइजिंग मतलब वेबसाइट के थ्रू जो वेब एडवर्टाइजिंग करते हैं वो आजकल सिग्निफिकेंट फैक्टर बन गया मतलब ज़्यादा मार्केटिंग में इफेक्टिव हो रहा है क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा वेबसाइट पे विजिट्स करते हैं ओके okay? कुछ भी चीज़ सर्च कर मतलब करना हो तो पहले आप इंटरनेट पर पहले वो चेक कर लेते हैं वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं तभी जा करते तो वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजिंग में भी दिया जाता है ओके okay? नेक्स्ट है मेडिकल ओके मेडिकल में कैसे यूज होता है कंप्यूटराइज सिस्टम आर नाउ इन वाइड स्प्रेड यूज इन मॉनिटरिंग पेशेंट डेटा लाइक पल्स रेट ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा रिजल्ट इन फास्टर एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस ओके कंप्यूटराइज सिस्टम आजकल पूरा फैल रहा है और धीरे धीरे इसका यूज इसमें मतलब पेशेंट को मॉनिटरिंग किया जा रहा है मतलब उसका पल्स रेट आप होंगे कोई पेशेंट आईसीयू में रहता है या कहीं भी रहता है एडमिट रहता है तो उसका पल्स रेट हमेशा एक स्क्रीन में दिखता है तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही दिखता है मतलब उसका हार्ट रेट पल्स रेट ओके ब्लड प्रेशर ओके तो ये डायग्निस्ट में ताकि वो ठीक होने में जल्दी उसका एक्यूरेट दिखे सब चीज़ मेडिकल इक्विपमेंट्स आर हाईली कंप्यूटराइज टूडे मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी है वो आजकल हाईली कंप्यूटराइज हैं जैसे आजकल कोरोना वायरस का जो टेस्टिंग डिवाइस आया जो थर्मोमीटर है जिसमें टेम्परेचर चेक किया जाता है वो भी एक कंप्यूटर ही है ओके नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वाइडली यूज इन मेडिकल रिसर्चेज कंप्यूटर्स का यूज किया गया मेडिकल रिसर्चेज में भी किया गया ओके किया जाता है नेक्स्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी किया गया साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन फॉर डिजाइनिंग मेक एंड मेकिंग ड्राइंग्स एंड आल्सो फॉर साइमेंटेनिंग एंड टेस्टिंग द डिज़ाइन साइंटिस्ट और इंजीनियर लोग क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज करता है आजकल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन कॉपी में नहीं किया जाता आजकल कंप्यूटर में किया जाता है okay? ओके ताकि उसको आसान हो जल्दी उसका रिसर्च काम पूरा हो जल्दी जो चीज़ वो करना चाह रहे हो वो हो ओके okay? फिर कंप्यूटर में वो अपना डिजाइन करता है ड्राइंग करता है ड्राइंग बनाने से फिर टेस्ट करता है अपने डिजाइन को बार बार कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन लाइक लॉन्च ऑफ रॉकेट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एट्सट्रा आर नॉट पॉसिबल विदाउट दी कंप्यूटर्स जो सपोज आपको रॉकेट लॉन्च करना है साइंटिस्ट लोग रॉकेट रॉकेट लॉन्च करते हैं जैसे अभी इसरो जस्ट मून पे विजिट था, तो किया जाता है तो लॉन्चिंग जो पेड होता है जहाँ पर कम रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है वहाँ रॉकेट लॉन्च विदाउट कम्प्यूटर पॉसिबल है ही नहीं ओके गे? कंप्यूटर मतलब रॉकेट को लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए कंप्यूटर्स एसेंशियल है बहुत पॉस जरूरी है ओके नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर यूज होता है कंप्यूटर्स हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंप्यूटर्स का मेजर इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ओके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा कंप्यूटर यूज होता है आजकल ओके द यूजर कैन डाउनलोड एंड व्यूज मूवीज़ प्ले गेम्स चेट बुक टिकट्स फॉर सिनेमा हॉल यूज मल्टी फॉर मेकिंग मूवीज़ इनकॉप्रेट विजुअल

ओके okay. सारा चीज़ कंप्यूटर से ही हो रहा है यहाँ तक म्यूजिक प्ले करता है डाउनलोड करता है अपलोड करता है शेयर करता है सब चीज़ क्या है सब चीज़ जो हो रहा है कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है नेक्स्ट एडुकेशन अब एडुकेशन भी आजकल कंप्यूटर से ही हो रहा है द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एडुकेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ओके मतलब दिन ब दिन क्या हो रहा है एडुकेशन कंप्यूटर के द्वारा बढ़ ही रहा है ओके धीरे धीरे बढ़ रहा है कंप्यूटर की ओर द स्टूडेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग मोर लॉजिकली एंड एबल टू फॉर्मुलेट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक स्टूडेंट लोग आजकल इस हैबिट में ऐसा हैबिट डेवलप कर लिया है कि वो लोग सोच सकता है लॉजिकली और फॉर्मूले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकता है प्रॉब्लम को ओके टेक्निक का यूज करके ओके सॉल्विंग टेक्निक यूज करके सीडीज ऑन दी वराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट आर अवेलेबल टू इम्पैक्ट एजुकेशन हरेक सब्जेक्ट का आजकल सी डी आता है ओके हर एक चैप्टर का सी डी आने लग गया है ओके एजुकेशन को इम्पेक्ट करने के लिए ओके नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टूडेंट के लिए जो है दिन ब दिन बढ़ ही रहा है कंप्यूटर के द्वारा ओके ऑल दी मेजर इंसाइक्लोपीडियाज डिक्शनरीज एंड बुक्स आर नाउ अवेलेबल इन द डिजिटल फॉर्म एंड देयर बाय आर ईजीली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट ऑफ टुडे ओके जितने भी इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं ओके okay? डिक्शनरीज हैं बुक्स हैं वो सब आजकल डिजिटली अवेलेबल हैं कंप्यूट इंटरनेट में आप जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं फटने का भी डर नहीं है बुक्स फट जाता है लेकिन वो डिजिटल जो है डिजिटल बुक नहीं फटता है ओके नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इन ड्राइंग्स पेंटिंग डिजाइनिंग डेकोरेशन म्यूजिक एक्सेट्रा कैन बी वेल डेवलप्ड विद द कंप्यूटर आजकल ड्राइंग पेंटिंग डिजाइनिंग डेकोरेशन और म्यूजिक सारा चीज़ आजकल कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है कंप्यूटर का यूज करके ही हो रहा है ओके तो यहाँ यही था फर्स्ट चैप्टर अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट आप देख रहे हैं बैकअप पल्स दिया हुआ है जो चैप्टर से रिलेटेड ही है आप उसको रीडिंग कीजिए और देखिए टिक द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है चार क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद खुद खुद से कोशिश कीजिए ट्राई कीजिए मुझे लगता है अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आप डेफिनेटली कर लीजिएगा ये खुद से फिर देखिए बी नंबर में पूछा एक्सप्लेन द कंप्यूटर सिस्टम इन योर आवन वर्ड अपने शब्दों में लिखना है कंप्यूटर सिस्टम को अपने शब्दों में बताना है मैं तो समझा दिया हूँ तो रिक्वेस्ट है वीडियो को दो से तीन बार देखें तो डेफिनेटली आपको सारा चीज़ समराइज हो जाएगा मतलब मुंह में हिंदी में तो याद रह ही जाएगा ओके और आप उससे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन योर आवन वर्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर अपने शब्दों में लिखना है क्या क्या एप्लीकेशन है यूज क्या है कंप्यूटर का वो अपने शब्दों में लिखना है ओके तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट पेज में द फॉलोइंग प्रोसेस यूजर मेमोरी स्टोरेज ये भी सारा चीज़ बुक में है आप इसे अपने लैंग्वेज में लिखें ओके नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ राइट द डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस लिखना है कि हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है ओके okay? ये भी दिया हुआ है और मैं बताया भी हूँ आपको अच्छी तरह से आपको आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दोबारा देखे तो ये क्वेश्चन भी आपसे जरूर बन जाएगा मैक्सिमम तीन या चार पॉइंट्स लिखना है इसमें डिफरेंस में आप इजिली कर लीजिएगा नेक्स्ट है एक्सप्लेन दिज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सबको एक्सप्लेन करना है कि स्पीड स्पीड क्या है कंप्यूटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड का तो स्पीड भी बताया हूँ भरसाटिलिटी भी बताया हूँ एक्यूरेसी भी बताया हूँ ओके okay? तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को रिप्ले कीजिए फिर से देखिए डेफिनेटली ये कर लीजिएगा आप कॉपी में इसे बनाइए आप ट्राई कीजिए ओके okay? फिर नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी ये भी बताया हूँ स्टोरेज कैपेबिलिटी जिसका एक टेबल भी था कि स्टोरेज कितना बिट्स कितना बाइट्स होता है कितना के भी होता है ओके फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये भी आप कर लीजिएगा छः क्वेश्चन है ये बन जाएगा फिर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ये टेबल आप खुद से भरिए ओके फिर नेम द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस टाइप्स ऑफ प्रिंटर ओके तो ये आप ख़ुद से कीजिए ट्राई कीजिए और फिर भी कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये टॉपिक या फिर ये क्वेश्चन में डाउट है सर ओके okay, तो मैं आपको डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर कराने का कोशिश करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें थैंक यू माई सेल्फ निर्मल प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीसी ज्ञान भंडार क्लास फाइव टू टेन subject math science and computer of any boards ICSC cbse Jack or any state board of english medium class 11th and 12th subject physics math and computer science of any board ICSC cbse Jack or any state board of english medium for more information contact on my whatsapp number 9431703940 and note personal online video classes also given here थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू कोविड नाइन्टीन एट होम स्टडी एट होम